सो आई वेलकम यू टू द केमिस्ट्री का सागर बाय सागर जातिया, और आज हम लोग पार्ट वन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट वन किसका? वी आर गोइंग टू स्टडी द पार्ट वन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11th का बेटा चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सो सबसे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो आज जो आपका लेक्चर है बेसिकली बॉयल्स लॉ पे डील करेगा, ठीक है? तो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टी द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट, यानी कि एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या कह रहा है वो कि वॉल्यूम प्रेशर एक दूसरे के inversely proportional होते हैं, बेशर्ते number of moles, number of moles का मतलब होता है given mass upon molar mass। अब देखो बेटा molar mass तो constant होता है, तो given mass भी यहाँ पे constant रहेगा क्योंकि number of gaseous moles का constant है। तो mass of gas या number of moles of gas और temperature ये constant रहेंगे तभी Boyle's law applicable होगा। तो volume is inversely proportional to pressure। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि PV is equal to K। अब K की जगह जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटती है तो एक इक्वल टू आता है, साथ में कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2। अब अगर दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो लॉग P प्लस लॉग V is equal to कांस्टेंट, यानी कि लॉग K आ सकता है। नहीं समझे इसका मतलब? अरे भाई इसका मतलब साफ साफ है कि अगर आपके पास PV is equal to K है तो log m into log n, log m into log n क्या होता है? log m plus log n। तो log p plus log v is equal to log k या constant। तो इस तरह से Boyle's law आप याद रख सकते हो। दिस इज द नंबर वन मेथड, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री, दिस इज नंबर फोर, सब एक ही बात है। क्लियर हो गई बात? पक्का समझ में आती है ना? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लॉ, है ना? तो अगर हमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा? इट इज व्हाट लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा? इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से। और हाँ, ये जितने भी कर्व्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे। अब चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे तो हम कह सकते हैं कि हम जो भी कर्व्स में डील करने वाले हैं वो सारे के सारे आइसोथर्म्स हैं। आइसोथर्म्स का मतलब व्हेनेवर यू आर प्लॉटिंग एनीथिंग एनी ग्राफ्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगर मान लो ये आपका कर्व T1 पे है और इसके बाद वाला कर्व ये रेड कलर का ये T2 पे है, और एक और कर्व बना लो तीसरे कलर पेन से जैसे ये T3 पे है ना। तो हम आपसे पूछे कि भैया T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होना चाहिए या फिर T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होना चाहिए? तो अब आपका इसका जवाब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? राहुल देखते हैं अपन लोग क्या करते हैं। अपन लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। PV इज इक्वल टू NRT होता है, यानी कि PV का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आपको। अब अगर हमने मान लो एक ये लाइन ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर दी, ये कोई प्रेशर मान लो 10 एटमॉस्फेयर, इसके करस्पॉन्डेंस ये वॉल्यूम होगी V1, इसके करस्पॉन्डेंस ये वॉल्यूम होगी V2, इसके करस्पॉन्डेंस T3 के करस्पॉन्डेंस ये वॉल्यूम होगी V3। अब वॉल्यूम की भी कोई वैल्यूज मान लेते हैं, जैसे ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। तो सबसे ज्यादा P into V किसका होगा? तीसरे वाले कर्व के लिए होगा, T3 के लिए।
यानी कि अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज. इट मीन्स दिस रिलेशनशिप होल्ड्स गुड फॉर दिस ग्राफ. T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड दिस इज द रॉन्ग वन कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 है. क्लियर हो गई. नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, वॉल्यूम वर्सेस 1/P का. तो वॉल्यूम वर्सेस 1/P का अगर कर्व देखें तो भैया बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. और इसको हम लोग इस तरह से भी तो पढ़ सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आ रही है तो भैया कर्व ऐसे जाएगा. इसी तरीके से हम प्रेशर और वॉल्यूम को इस तरह से पढ़ सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V. तो प्रेशर और 1/V के बीच में जो कर्व होगा वो भी ऐसे ही होगा, सेम ही तो बात है. तो आपका ये वाला कर्व और ये वाला कर्व एक ही बात है. नेक्स्ट, पीवी वर्सेस पी या वी के, मतलब पीवी वर्सेस या तो प्रेशर ले लो यहां पर या वॉल्यूम ले लो यहां पर. तो भाई यहां पर ऐसा क्या खास बात है? कोई खास नहीं है. अभी आप लोग ऊपर पढ़कर आ रहे हो कि पीवी इज इक्वल टू के होता है, पीवी इज इक्वल टू के होता है. तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लाइन कैसे दिखाते हैं? ऐसी तो दिखाते हैं. तो खत्म हो गई बात, बड़ी इजी थी, ठीक ही नहीं थी? इट्स सो इजी. तो ये चार कर्व्स के बाद अपने पास दो कर्व्स और बाकी हैं बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, लॉग पी वर्सेज लॉग बी. How to draw this? तो अभी मैंने आपको रिलेशनशिप बताया कि पीवी इज इक्वल टू के होता है दोनों तरफ जब लॉग ले लेंगे. अब लॉग की बेटा प्रॉपर्टी हो रही है, होती है जिनको नहीं पता उनके लिए कि लॉग एम इंटू एन का मतलब होता है लॉग एम प्लस लॉग एन. तो लॉग पी प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग के. log p is equal to minus log v plus log k. ऐसे भी तो ले सकते हैं अगर log v को इधर ले जाए. अब इस इक्वेशन को y equal to mx plus c से अगर हम रिलेट कर दे बच्चों तो आप लोग बड़े आराम से देख सकते हो कि y एक्सिस पे log p है, x एक्सिस पे log v है और m जो स्लोप है वो माइनस है, यानी कि इसका जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा एंड दिस विल बी द इंटरसेप्ट log k. क्लियर है ना? स्लोप से हम पता पाते हैं कि क्या हो रहा है. थोड़ा सा टाइम स्लिप हो गया. तो अगर माइनस है तो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव है तो भाई ऊपर की तरफ. अब जैसे यहाँ पे लॉग पी वर्सेस लॉग 1/V, तो देखो लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है. जैसे लॉग की एक प्रॉपर्टी है, याद रखना, एक प्रॉपर्टी मैं और बता देता हूं कि अगर लॉग से पहले माइनस लिखा है, जैसे माइनस लॉग ए है, तो इसको आप लोग बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हो log 1/A. तो जब माइनस अंदर जाएगा तो 1/A हो जाएगा. तो हम इस रिलेशनशिप को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log p इज इक्वल टू log माइनस साइन अंदर चला गया तो log 1/V प्लस log k. तो अब थोड़ा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है तो कर्व ऐसे बनेगा, थोड़ा सा उठकर बनेगा क्योंकि इंटरसेप्ट आपका log k है यहाँ पे. तो आई होप आपको बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो कर्व्स हैं वो आ गए होंगे समझ में. दो कर्व ये हैं और ये चार कर्व ये हैं. अच्छा, एक जो ये पीवी वर्सेस पी का बनाया था, इसमें भी अगर मैं यहाँ पे तीन लाइंस बना देता हूं, ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, तो फिर T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होगा कि T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा? तो सेम चीज है कि पीवी का अगर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, यानी कि सेम रिलेशन इसके लिए भी होल्ड करेगी. इस तरह के जेई में और नीट में क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. तो बच्चों नोट्स को कॉपी करते रहिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा. पेन कॉपी उठाइए, नोट्स को बनाइए और अब हम लोग पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन को. क्लियर हो गई, पहले इतना नोट हो गया. तो अब इसके क्वेश्चन में आते हैं. आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू अ बैलून इट्स प्रेशर एज वेल एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, इज दिस नॉट द वायलेशन ऑफ बॉयल्स लॉ? अबे जब आप भाई गुब्बारे के अंदर हवा भरते हो तो वो कह रहा है आप तेजी से प्रेशर दे रहे हो गैस का
और साथ में आप उसका वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ देख रहे हो क्योंकि गुब्बारा फूलता है, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या ये बॉयल्स लॉ के खिलाफ नहीं है? अरे भाई, बॉयल्स लॉ तो तब लागू होता है ना जब आपका मास कांस्टेंट हो, और जब गुब्बारा फूल रहा है तो उसका मास तो कांस्टेंट नहीं है, मास इज नॉट कांस्टेंट। और अगर मास कांस्टेंट नहीं है या टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो बॉयल्स लॉ नहीं लगता। तो गुब्बारे के केस में अगर प्रेशर के साथ तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बॉयल्स लॉ कतई लागू नहीं हो रहा। तो इज दिस नॉट वायलेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ? नो, दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ बिकॉज द मास इज नॉट द कॉन्स्टेंट। सो द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डज नॉट एग्जिबिट और डज नॉट एग्जिस्ट ओवर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द माउंटेनियर्स हैव टू कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स? वेट अ मिनट, या सो व्हाई द माउंटेनियर्स हैव टू कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम? लुक स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और पी इज इक्वल टू के बाय वी। वी ऑल्सो नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम कैन बी रिप्लेस बाय density upon mass. And in this particular thing, we know that this k is constant, mass is constant, so pressure is directly proportional to the density. On moving at the higher attitudes, at the higher attitudes, what you observe is that pressure decreases, and as the pressure decreases, the density will decrease. एंड वेन द डेंसिटी विल डिक्रीज तो हवा में ऑक्सीजन बहुत कम होगी, इट विल बी लेस डेंस, और लेस डेंस होने की वजह से ऑक्सीजन को ले पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रयोग करते हैं ताकि हमें कोई ऊपर जाते हुए दिक्कत ना आए, क्योंकि प्रेशर घटने पर डेंसिटी कम हो रही है और डेंसिटी कम होने का मतलब आपको ऑक्सीजन कम मिल रही है। क्लियर? अब बच्चों हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है अ बैलून इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर ऑफ वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड? वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए इसको करने की, कुछ ज्यादा दम वाली बात नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। सो गिवन दैट में प्रेशर आपका 1 बार है, वॉल्यूम आपकी 2.27 लीटर्स है, यहाँ पे P2 आपका 0.2 बार है और वॉल्यूम आपको निकालनी है। वी विल यूज द कंसेप्ट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1 is equal to P2 V2, सारी वैल्यूज हमें पता है। 1 × 2.27 is equal to 0.2 × V2, तो V2 अगर आप कैलकुलेट करते हैं 2.27 × 0.2 तो ये 11.35 लीटर्स आएगा। ठीक है ना, मैं पहले निकाल कर कर चुका हूँ इस चीज को, तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर हूँ मैं। तो बियॉन्ड दिस वॉल्यूम द बैलून विल बर्स्ट, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में भी तो आ सकता है, एट 11.35 लीटर बैलून विल बर्स्ट, बियॉन्ड दिस वॉल्यूम द बैलून विल बर्स्ट, बोथ ए एंड बी, नन, ऐसा करके। तो बियॉन्ड दिस वॉल्यूम द बैलून विल बर्स्ट। नेक्स्ट है 200 ml ऑफ अ गैस, तो ये लो भैया V1 आपका 200 ml हो गया। इट्स फाउंड टू हैव अ प्रेशर ऑफ 750 mm, तो P1 आपका 750 mm हो गया। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज डबल एट द सेम टेम्परेचर? तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, बॉयल्स लॉ के लगेगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
प्रेशर आपका दुगना हो रहा है तो वॉल्यूम आपकी आधी हो जानी चाहिए। अगर P1 आपका 750 है और P2 इसका जस्ट डबल हो रहा है तो वॉल्यूम इसकी जस्ट आधी हो जाएगी, तो भैया हमको तो निकालने की भी नहीं जरूरत है, हमें इतना पता चल रहा है कि जो नई वॉल्यूम होगी वो इनिशियल की आधी होगी, यानी कि 100 ml इज द आंसर। सीधा सीधा फंडा है क्या ये, तो समझ में आ रही है ना मेरी बात? क्यों, हेलो, तो समझ में आ रहा है? दुनिया गोल तो नहीं दिखाई दे रही, पक्का ना? ठीक है, नोट करते रहना यार। अ बैलून फिल्ड विद एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी डीप टू द डेप्थ ऑफ 100 meters, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम? आहा, गहराई है क्वेश्चन में, क्या है गहराई? तो इस गहराई को नापते हैं। मान लो ये एक लेक है जहां पे पानी भरा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बैलून है, ये आपका सरफेस है, बिल्कुल आराम से समझना, और इस सरफेस के नीचे ये आपका वाटर है। आपने बैलून को अंदर की तरफ ले गए हो, कितने मीटर डेप्थ तक? 100 meters डेप्थ तक ले गए हो। तो कह रहा है बैलून की वॉल्यूम में क्या कोई फर्क आया है? आया है तो बताओ ओरिजिनल वॉल्यूम से कंपेयर करके। तो ओरिजिनल वॉल्यूम जो कि सरफेस पे है उसको वी लेट कर लेते हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, एट सरफेस, सरफेस पे आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, है ना? सरफेस पे क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm है या 760 mm है या 76 cm ऑफ hg है, 76 cm ऑफ hg। इस 76 cm ऑफ hg से हमें क्या लेना देना? अपन तो पानी में डील कर रहे हैं। तो हम लोगों को जब ऐसा केस मिलता है कि जिसमें हम लोगों को वाटर में कन्वर्ट करना पड़ता है hg से वाटर में, तो हम लोग 13.8 फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, 13.8 या ये कह लो 13.6 टू बी मोस्ट प्रिसाइज। तो 76 मल्टीप्लाई बाय 13.6 ये आ जाएगा सेंटीमीटर ऑफ वाटर पानी में कन्वर्ट करने के लिए। अब आपको क्वेश्चन में देखो 100 meters तक ले जाना है, 100 meters, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, ये जो 76 इंटू 13.6 आएगा अपॉन 100 कर देना, तो इट विल कम्स अराउंड टू बी 10.3 meters। तो भैया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूला पहले लगाओ। प्रेशर मतलब ये जो P1 है और ये जो V1 है, ये हमने सरफेस का ले लिया और P2 V2 हमने 100 meters डेप्थ का ले लिया। P1 आपका 10.3 है, V1 आपका वॉल्यूम लेट कर लिया, P2 देखो 10.3 तो है ही है सरफेस का और ऊपर से 100 meters डेप्थ में जा रहा है, तो 100 प्लस 10.3 दैट इज योर वैल्यू ऑफ P2 यानी कि 110.3। तो V2 विल कम्स आउट टू बी 10.3 अपॉन 110.3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 9.8% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बस बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये यूनिट का खेल था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि जब नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो 100 प्लस 10.3 करना पड़ेगा और ऊपर कितना प्रेशर है, 10.3 है। 10.3 कैसे आया? 760 mm ऑफ hg होता है या 76 cm ऑफ hg होता है। HG मर्करी को ना लेके अगर वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो 13.6 का फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपॉन 100 करेंगे तो 10.3 meters आ जाएगा। फिर P1 V1 = P2 V2 निकाल देंगे, V1 V लेट कर लिया, V2 को आंसर V के ही टर्म्स में निकालना है, तो 9.8% ऑफ V आया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे जो कि है अ बल्ब
a bulb acts of unknown volume containing a gas at 1 atmospheric pressure is connected to an evacuated bulb. ठीक है, थ्रू अ स्टॉप कॉक. ये एक बल्ब X है, इसकी वॉल्यूम V1 है और इसका जो प्रेशर है P1 वो आपका 1 एटमॉस्फियर गिवन है. ये आपका बीच में स्टॉप कॉक लगा है और इसको जब आप खोल दे रहे हैं तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है. इवैक्यूएटेड बल्ब ऑफ 0.5 लीटर कैपेसिटी थ्रू अ स्टॉप कॉक. यहां पर जो V2 है वो ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस 0.5. ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक द प्रेशर इन द होल सिस्टम इज फाउंड टू बी अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 570 mm. यानी कि यहाँ पे जो P2 है वो 570 mm है. mm को atm में जरूर कन्वर्ट कर देना क्योंकि जब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आप लगाते हो तो प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स एकदम बराबर होनी चाहिए. तो 570 mm अगर आपको दिया है तो इसको अपॉन 760 करना मत भूलना ताकि वो एटीएम में आ जाए. अब आप 1 × V1 इज इक्वल टू 570 ÷ 760 × V1 + 0.5. इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आंसर यहाँ पे मैंने निकाला था इट कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 1.5 लीटर. आप लोगों का कैलकुलेटर होगा तो नोट कर मतलब निकाल लीजिएगा और अगर सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो उनके लिए दिक्कत होगी बिकॉज आईसीएसई स्टूडेंट्स हैज द यू नो फैसिलिटी ऑफ यूजिंग द कैलसी. तो आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. सिंपल P1 V1 = P2 V2 करना था. ये जो बल्ब वाला कंसेप्ट है इसमें एक की वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम है, स्टॉप कॉक खोलने के बाद इधर की गैस उधर की तरफ डिफ्यूज होती है तो जो टोटल वॉल्यूम आया हमने वो लिया फाइनल वॉल्यूम V1 + 0.5 और प्रेशर तो होल सिस्टम का आपको दिया ही है 570. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर एट 9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज the volume of the gas to 1.5 liter keeping the temperature constant. तो देखो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो अपने को ये तो समझ में आ रहा है कि बॉयल्स लॉ लगने वाला है. तो गिवन दैट में लिख लेंगे कि V1 हमारा 2.5 लीटर है, P1 हमारा 9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, V2 हमारा 1.5 लीटर है और हमें जो प्रेशर फाइनल है वो नहीं पता. तो हम P1 V1 = P2 V2 लगाएंगे जिससे हमारा P2 का वैल्यू आ जाएगा 9 × 10⁵ × 2.5 / 1.5. बच्चों इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट नियर अबाउट 15 × 10⁶ यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अभी आपका ये फाइनल आंसर नहीं है, जल्दबाजी में ये आंसर मत टिक कराना. क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं. अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर एट दिस. कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम. एडिशनल प्रेशर ये फाइनल प्रेशर आया है तो एडिशनल प्रेशर क्या होगा P2 - P1 यानी कि 15 − 9 × 10⁶ तो 10⁵ कॉमन रहेगा अपना 6 × 10⁵. आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी. नहीं हो गई तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये चीज समझ में आई कि
भी नहीं आई। टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? चार्ल्स लॉ के बारे में। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर में सागर बन जाती है।